उसने हमारे गुल्लक से पैसे चुराए और घर में दादी से छुप के पटाखे भी लाई और दादी ने उसको सबसे ज्यादा इनाम भी दिया। अरे यहाँ काम की बात चल रही है, तेरी बात हम शान से बड़े आराम से बाद में सुनेंगे। मैंने तो पहले कहा था दादी को जाके बता देते हैं, पर तूने मुझे रोक लिया। ठीक है अब बता देते हैं। नहीं 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 तू रहने दे, जब तक तू दादी को बताने जाएगी चंचल सारे के सारे पैसे खर्च कर चुकी होगी। क्या क्या, क्या हुआ? लड्डू का डब्बा दिख गया क्या? चंचल ये क्या हो रहा है? ये मेरी तरफ से तुम सबका दिवाली गिफ्ट, तुम सबकी नई गुल्लक। धैर्या, सुरीली और ये शक्ति का बुद्धि और ये मेरी। ये कैसे लाई तू? वो जो दादी ने शगुन के पैसे दिए थे बस उन्हीं से खरीद के लाई मैं। वो जो मैंने पैसे तुम सबकी गुल्लक में से चुराए थे मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए। मैंने चोरी की, झूठ बोल के पटाखे लाए क्योंकि मेरे लिए दिवाली मतलब पटाखे। लेकिन अब समझ आया पटाखे अकेले जलाए तो क्या जलाए। अब तुम सभी मुंह फुला के बैठे रहोगे, चाहे जितने भी पटाखे मिल जाए, चाहे कितने भी गिफ्ट मिल जाए, लेकिन फिर भी हैप्पी दिवाली नहीं मनेगी। क्योंकि असली मजा तो बहनों की डोली के साथ ही आता है। बताओ हमारे अच्छे दिन आए कि नहीं? और इसलिए तूने अपने सारे पैसे हम पे खर्च कर दिए, लेकिन हमें अभी भी परमिशन नहीं है पटाखे जलाने की। कोई बात नहीं, जब हम पांचों साथ हो तो हम बम से भी बड़ा धमाका कर सकते हैं। सॉरी आज थोड़ा भोले, दिवाली की शुभकामनाएं। सासू माँ, लोग दिवाली पे घर पे गिफ्ट लाते हैं और आप अपने सबसे अनमोल गिफ्ट को घर से बाहर कर रही हो। आप अभी तक यहीं हैं? चले सा। अरे यार 2 दिन से हाथ में बैग दे के कहती है घर से निकल जाओ। कुछ बोलो ना यार, हम सच में घर में पटाखे ना लाए थे। आपने कहा और मैं मान लूं? अरे सासू माँ, अब क्या अमेरिका के प्रधानमंत्री को बुलाए गवाही देने के लिए? बच्चों, अपने फूफा से हैप्पी दिवाली कहो और इन्हें बताओ कि दरवाजा किधर है। अरे हैप्पी दिवाली फूफा जी। हैप्पी दिवाली। और दादी, आप फूफा जी को घर से मत निकालिए, पटाखे वो नहीं लाए थे। हाँ? पटाखे तो मैं लाई थी। देखो, और मैं भी और दादी मैं भी और मैं भी। घर में पटाखे हम पांचों मिलके लाए थे दादी। फूफा जी नहीं। सॉरी दादी। दादी आप इन सबको कुछ मत कहिए, ये सिर्फ मेरा साथ दे रहे हैं। पटाखे सिर्फ मैं लाई थी, ये लोग नहीं। बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी गोलमाल। सबको बराबर मिलेगी। सजा नहीं, शाबाशी। मुझे सब पता है कि घर में कब कौन क्या लाया। मुझे पता है कि पटाखे फूफा जी नहीं, घर का कोई बच्चा ही लाया। अरे तो 2 दिन से फूफा के दिमाग के पटाखे काय फोड़ रहे हैं आप लोग? मैं इंतजार कर रही थी कि जो कोई भी बच्चा पटाखे लाया वो खुद से बोलेगा कि नहीं, लेकिन ये तो पांचों बोल पड़ी, वो भी एक दूसरे के लिए, और मेरी बोलती ही बंद कर दी। वाह बच्चों, तुमने सच्चाई का नमूना पेश किया है और साथ ही एकता का भी उदाहरण दिया है। और बच्चों, इसी खुशी में पापा आपके साथ पटाखे फोड़ेंगे। हाँ, दिवाली पर धमाका नहीं हुआ तो कैसी दिवाली। ये लो पापा, इसमें पटाखे हैं। खोलो खोलो, खोल के देखो। पापा ये तो खाली है। ए, खाली है? दिखाओ। किसने कहा ये खाली है? ये देखो, भर गया। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चलो चलो बच्चों, ये लो। चलो चलो चलो, सब ले लो। ओ, 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 तो चलो बच्चों, करो धमाका और बोलो हैप्पी दिवाली। चलो शक्ति शक्ति हैप्पी दिवाली। सुरीली चल चल। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। बुद्धि बुद्धि हैप्पी दिवाली। धैर्य धैर्य। अरे अरे, धमाका तो धमाकेदार सेल्फी के साथ होना चाहिए। चलो तो इस दिवाली पटाखे मत जलाइए, आप भी पैकेट में हवा भर के धमाका मचाइए। हैप्पी दिवाली। पर ऐसे कैसे मैया मैं बच्चों को डांटना शुरू कर दूं? मैं उन्हें प्यार से समझाऊंगा ना। अरे लल्ला, प्यार से समझाने के दिन गए, अब और लाड करेंगे ना तो रही सही और बिगड़ जाएगी चिल्लर पार्टी। हाँ कन्हैया जी, मम्मियों की डांट को तो ये बच्चे कुछ समझती नहीं है। उनके लिए तो ये एक दंत मंजन है जो रोज ही पड़ती है, क्या फर्क पड़ता है बताओ। हाँ लल्ला, अब तुझे ही आवाज उठानी पड़ेगी, पापा का डर पैदा करना पड़ेगा। खास करके इस भक्तन की जो छोटी पुजारन है ना चंचल, उसमें। अरे लल्ला, चंचल ने तो हद मचा रखी है शरारतों की। हाँ, ड्राइंग कंपटीशन में पानी का फव्वारा छोड़ दिया, सबके चित्र बह गए। अब बेटा तू बता, उस सरला के पोते को क्या समझाया इसने? हाँ कन्हैया जी, उसने कहा अगर कोई पूछे कि अंडा पहले आया था या मुर्गी, तो उसका जवाब चॉकलेट देना। चॉकलेट? वो कैसे? वो ऐसे कन्हैया जी, चंचल मैडम के हिसाब से दुनिया में एक ऐसी जादुई चॉकलेट है जो हर जगह फैली हुई है, और अगर कोई इसे पूरा खा लेगा तो वो मुर्गे बन जाएगा। हाँ, इसीलिए अब सरला का पोता आधी चॉकलेट ही खाता है और आधी चंचल को दे देता है। कल सरला ने उसकी पूरी चॉकलेट खा ली और वहीं पास में एक मुर्गी घूम रही थी। उस बेचारे बच्चे को लगा कि फुटबॉल मुर्गी बन गई है, सारा दिन उसके पीछे घूमता रहा। दादी घर चलो, दादी घर चलो, दादी घर चलो, दादी घर चलो, दादी घर चलो करता हुआ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक चला गया। लल्ला, अब तुझे ये छोटी 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 बोगियों का ना स्टेशन मास्टर बनना पड़ेगा। अरे प्यार की सीटी नहीं, डांट का डंडा चलाना पड़ेगा। हाँ कन्हैया जी, अब आप प्यारे पापा से खड़ूस पापा बन जाइए, तभी ये बच्चियाँ सुधरेगी। हाँ लल्ला, अब तुझे ही अपनी छवि बदलनी पड़ेगी। आते जाते यूं ही डांट दिया कर। ए, यहाँ क्यों खड़े हो? ए, कहाँ कर रहे हो? जाओ। हाँ लल्ला, तभी बच्चे लाइन पर आएंगे। ठीक है मैया, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? अरे लल्ला, ये कौन सा वैष्णो देवी की यात्रा है जो छुट्टियों में ही करेगा? चल अब ले भोली की दीदी का आशीर्वाद और जाओ। मैया, शिव शंभू, उधर क्यों किया ऐसा बेटा? बेटा लो, बोलो बेटा बोल के कोई डांट लगाता है क्या? सत्य, तुम्हारी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा। फिर बेटा, हे भगवान, ऐसे डांट से तो सुधर गए बच्चे। प्रार्थना, लगता है हमें जाना पड़ेगा। द्वितीय सत्य, चलो। ये लो, मम्मी भी आ गई। पापा, लेकिन मैंने तो। सुपुत्री चंचल, तुम्हारे पिताश्री एवं हमारे प्राणनाथ के मुखमंडल से संभाषित व्याख्यान यकायक सत्य है। देखो चंचल, तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है वो तो पता नहीं, लेकिन पापा जो कुछ भी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। यथार्थ, तुम्हारी शरारतें छत तोड़कर निकल रही है। छत किसकी तोड़ दी इसने? अरे कन्हैया जी, मतलब समझिए ना। हाँ। अच्छा चंचल, तुम्हारी स्कूल डायरी लेकर आओ तो जरा, जिसमें वो टीचर रिमार्क्स लिखती है वो लेकर आओ। हाँ, जरा पता तो चले चंचल स्कूल में कितनी शरारतें करती है। चलो बेटा लेके आओ। थैंक यू। ये क्या है? सोमवार को क्लास में हिंदी निबंध प्रतियोगिता होगी, सब बच्चे अपनी मम्मी को लेकर आएंगे। अब सोमवार तो चला गया ना, और तुमने बताया भी नहीं। कन्हैया जी देखिए, डांटी सर। हाँ, ये तो। हाँ, अब क्यों नहीं बताया चंचल? पापा, ये कोई शरारत थोड़ी ना जो आप डांट रहे हो। हाँ, बात भी सही। अच्छा, निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया, बताया नहीं, उसकी डांट तो पड़ेगी ना। पापा, हिंदी निबंध प्रतियोगिता में हर बच्चे को हिस्सा लेना है अपनी मम्मी के साथ टीम बना के। और पापा, वो हिंदी निबंध प्रतियोगिता थी, कोई संस्कृत नहीं। मम्मी को लेके जाके क्या करती, सिर्फ शुभह लिख के आ जाती, क्योंकि मम्मी का शुभह के अलावा कुछ समझ में आता नहीं है। चंचल, बहुत हो गया। बच्चों के 100 में से जितने नंबर आते हैं उससे ज्यादा तुम्हारी शिकायतें आती हैं। कन्हैया जी, बोर्डिंग। हाँ, बोर्डिंग भेज देंगे। कान खोल के सुन लो चंचल, अब तुम्हारी अगर एक भी शिकायत आई ना तो हम तुम्हें बोर्डिंग भेज देंगे। हॉस्टल में रहना पड़ेगा तुम्हें। छात्रावास, हॉस्टल, हॉस्टल। नहीं जाना मुझे हॉस्टल, बुद्धि मुझे हॉस्टल के नाम से बहुत डर लगता है। अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगी। तू बचपन से हमारे साथ है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझसे नहीं हो पाएगा। वही तो, मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ। अगर मुझे हॉस्टल भेज दिया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? मैंने डिसाइड कर लिया, मम्मी शिवजी का उपवास रखती है और मैं अपनी शरारतों का उपवास रखूंगी। अब 1 महीने तक 9 शरारतें 9 पंगे। मैं अपनी कसम नहीं, मैं अपने चंचल अटैक की कसम खा के कहती हूँ कि मैं पूरे मेरठ की नहीं, मेरठ की क्या, मैं पूरी इंडिया की सबसे शरीफ बच्ची बन के दिखाऊंगी। मुझे हॉस्टल नहीं जाना बुद्धि। चंचल ला दे, मैं तेरा होमवर्क कर देती हूँ। देख क्या तू अपना होमवर्क जानवी से करवाती है? नहीं, तो क्या मेरी ब्यूटी देख के लगता नहीं कि आजकल मैं सबका होमवर्क कर रही हूँ? ओह, होमवर्क करने से ना ब्रेन बढ़ता है, ब्यूटी नहीं। इतना भी नहीं पता। चंचल, तूने अपनी बहन को नहीं बताया? अपना होमवर्क करने से अकल बढ़ती है, लेकिन दूसरों का होमवर्क करने से ब्यूटी बढ़ती है। जैसे गॉड ने हमें ब्यूटीफुल बना के भेजा है ना, जैसे आलिया भट्ट को। तू बता ना इसे, आलिया भट्ट भी तो पहले दूसरों का होमवर्क करती थी। चंचल, तू ऐसा कहके उससे अपना होमवर्क करवाती है? अरे ये पागल बना रही है तुझे। जी नहीं, ये सच है। जब से मैं सबका होमवर्क कर रही हूँ ना, तो सब क्लास वाले मुझे पहले से भी सुंदर बोलते हैं। जानवी, मैंने तुझे पागल बनाया, सॉरी। ऐसे हम किसी का होमवर्क करके ब्यूटीफुल नहीं बनते। मैंने तो क्लासरूम के बच्चों को भी कहा था कि तेरी मूड की तारीफ करें। सॉरी जानवी, अब मैं तेरे साथ कभी शरारत नहीं करूंगी। तेरे साथ क्या, मैं किसी और के साथ भी शरारत नहीं करूंगी। ये चंचल अटैक नहीं, ये चंचल प्रॉमिस है, सच्ची। से तेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आते हैं? एक दिन तू खुद को नहीं, हम 5 को हॉस्टल भिजवा कर रहेगी। अरे ये छोड़, वो देख बंटी कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अरे वो छोड़ ना, चल मैं लाइब्रेरी जाती, ठीक है? पीटी टीचर का रूम। बंटी पीटी टीचर के रूम में क्या कर रहा है? श्रीपाल राणावत नाम है मेरा। 50-50 कोस दूर जब बच्चे शैतानी करते हैं तो प्रिंसिपल बोलती है सुधर जाओ वरना राणावत आ जाएगा। और तुम अब क्यों सर झुका कर खड़ी हो? उस समय सर क्यों नहीं झुकाया जब ये गलत जुराब पहन के स्कूल में आ गई तुम? यूनिफॉर्म में सफेद जुराब है और तुम ये लाल जुराब पहनकर क्यों आ गए स्कूल में? इधर देखो, क्या लगा था क्लास में पार्टी होगी? पर मम्मी तो पार्टी में हरा सॉक्स पहनाती है। कीप क्वाइट। मैं तुम्हारा पुराना पीटी टीचर बत्रा नहीं, खतरा हूं, खतरा। क्या हूं? अब चुप क्यों हो? बोलो क्या हूं? अरे भैरे को भी इन्हीं के पल्ले पड़ना था। ये अपनी सुस्ती के चक्कर में और डांट खाएगी। इतना क्या सोच रही हो? बकरा। अरे वो बकरा, वो पुराना टीचर बतरा था, पर मैं खतरा हूं, खतरा। अब बताओ किस खुशी में ये लाल जुराब पहनकर स्कूल में आई? सॉरी, सुबह ठंड में अच्छे से नहीं दिखा लाल है या सफेद। इधर देखो, जब भी ठंड में नींद आए तो ये शक्ल याद कर लेना, अपने आप नींद उड़ जाएगी। बंटी, चंचल तू क्या कर रहे तू पीटी टीचर के रूम में?